अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं एक छत पे आया हुआ हूँ वाटर पम्प की। यहाँ पर ये वाटर पम्प का पुल चल रहा है, ब्रिज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और ये वाटर पम्प का पेट्रोल पम्प है। और तो सामने पहाड़ियाँ और यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त लुक आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं। अगर बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, और हवा ऐसी टाइट चल रही है, ऐसी टाइट चल रही है माशाल्लाह से, और माशाल्लाह माशाल्लाह। ये समझ लें आप, ये समझ लें, यहाँ से पूरा कराची, आधा कराची नज़र आ रहा था, यहाँ से आधा कराची यहाँ से नज़र आ रहा है, आधा यहाँ से तो आ ही नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर मकान वगैरह बिल्ड हुए हैं। यहाँ से तकरीबन है ना, यहाँ से ऐसे माशाल्लाह से बहुत अच्छा व्यू आपकी स्क्रीन पे है। और ये सामने मोहम्मदी मस्जिद है, और ये कराची का मखसूस एरिया है, ये समझ लें। ये जो पुल है ये सुपर हाईवे का पुल लगता है, यहाँ से आगे जाके सुपर हाईवे लगता है। ये भी सुपर हाईवे में शामिल है लेकिन ये शहर में आता है अभी, और थोड़ा सा आगे जाके ना वाटर पम्प की चुरंगी है। ओके, यहाँ पर वाटर पम्प की चुरंगी है, और ये है और हवा बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। और बादल का मौसम है, शाम के ना तकरीबन ये बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं, मगरिब की नमाज होगी आधे घंटे बाद। लॉकडाउन है नाम का, वैसे हल्के फुल्की दुकानें खुली हुई हैं, और आपके सामने ट्रैफिक है सुपर हाईवे का। ये रात को भी हल्का हो जाएगा ट्रैफिक, लेकिन रुकता नहीं है ट्रैफिक यहाँ पर। जब शुरू में लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो बिल्कुल सन्नाटा होता था रात को और शाम में भी, सुबह में भी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए वैसे वैसे लॉकडाउन भी हल्का होता गया और ट्रैफिक भी बढ़ता गया। जब 5 बजे का इन्होंने कर्फ्यू, 5 बजे तक इन्होंने लॉकडाउन जब लगाने का शुरू किया तो फिर ट्रैफिक इतना हुआ। ईद के बाद भी, अभी ईद का 5वां 6ठा दिन है, तो अभी कोई लग नहीं रहा कि लॉकडाउन है, और लोग की बिक्रियाँ हो रही हैं बहुत माशाल्लाह से, कारोबार रवा दवा है। तो बस ऐसे ही आपको दिखाना था, मैंने कहा चलें आपको भी दिखा दें कराची की कुछ ऐसी, आधा कराची आपको नज़र आ रहा होगा, आधा कराची आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से खड़े होके। यहाँ पर सामने आपको स्टेडियम भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर उसका नाम मुझे याद पता नहीं है, और बहुत बहुत, और ये सामने जो है ये औरंगी टाउन लगता है, ये इज्तिमा का जो तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है यहाँ पर है, इस और इसके पीछे नया नाजमाबाद जो अभी बिल्ड हुआ है नया, तो ये है। सही है, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अस्सलाम वालेकुम।